Hi students, in this lecture we will discuss this problem. This is a shear force diagram problem. We have to draw shear force diagram and the bending moment diagram for this problem. Okay, this is a simply supported beam and we have a UDL over the beam and there is a point load also at the center of the beam. So we have to draw shear force diagram and the bending moment diagram for this problem. Okay, so what we have to do, we have to draw shear force diagram and bending moment diagram for this problem. ओके हमारे पास ये एक बीम दिया हुआ है जो कि सिंपली सपोर्टेड बीम है. इस बीम के लिए हमको SFD और BMD बनाना है. ठीक है, ये हमारे पास बीम है जो कि सिंपली सपोर्टेड है. सिंपली सपोर्टेड है और 3 मीटर लेंथ है बीम की. टोटल लेंथ बीम की जो 3 मीटर है, इसके ऊपर UDL है जो कि 4 kN/m. पॉइंट लोड दिया हुआ है एट द सेंटर ऑफ द बीम जो कि आपका 5 kN है. ठीक, टोटल लेंथ आपकी 3 मीटर है. सबसे पहले हम लोग इसके लिए रिएक्शंस निकालेंगे कि सपोर्ट पे कितना रिएक्शंस आएगा. ठीक, और ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो सपोर्ट पे सिर्फ हमको वर्टिकल रिएक्शन मिलेगा. ठीक, तो यहाँ पे हम लोग वर्टिकल रिएक्शन RA एंड यहाँ पे हमारे पास होगा वर्टिकल रिएक्शन RB. और ये सिमेट्रिकल बीम है, सिमेट्रिकल बीम है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, RA प्लस RB विल बी इक्वल टू द टोटल लोड. अगर हम लोग लोड फोर्स बैलेंस करेंगे वाई डायरेक्शन में तो RA प्लस RB विल बी व्हाट, विल बी इक्वल टू 5 प्लस, और टोटल लोड कितना है, 4 इंटू 3 जो कि हो जाएगा आपका 5 प्लस 12, ये हो जाएगा आपका 17. ठीक, RA प्लस RB इज इक्वल टू RA प्लस RB इज इक्वल टू 17 kN. दोनों जो रिएक्शंस हैं उसका सम आपका 17 kN आ गया. ठीक, अच्छा वैसे ही सिमेट्रिकल बीम है तो हम लोग जो है इसको हाफ भी कर सकते हैं. RA विल बी इक्वल टू RB विल बी इक्वल टू 17/2. और वैसे हम लोग इसको निकाल भी लेते हैं. हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट B के अबाउट मोमेंट लेते हैं तो हमको मालूम है सपोर्ट पर मोमेंट 0 होगा. तो पॉइंट A के अबाउट जब आप मोमेंट लोगे, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट पॉइंट A के अबाउट 0 होगा. ठीक, अब A पॉइंट के अबाउट जब आप मोमेंट लोगे तो क्या हो जाएगा, RB into 3 will be equal to the loads which are acting on the beam in the downward direction. तो ये जो मोमेंट देगा ये आपको एंटी क्लॉकवाइज देगा, बाकी ये पॉइंट लोड और UDL क्लॉकवाइज देगा. तो दोनों के लिए जो हम लोग ले लेते हैं 5 into 3/2 हो जाएगा प्लस टोटल लोड कितना है आपका, टोटल लोड है आपका 4 into 3 12, और उसका जो CG होगा वो R से कितनी दूरी पे होगा, 3/2 पे होगा. तो ये हो जाएगा आपका 15/2 प्लस 36/2 और ये हो जाएगा 3 RB, ये हो गया आपका. उसके बाद इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, 3 से 1 कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 5/2, ये आ जाएगा 12/2 और ये हो जाएगा हमारे पास RB. तो RB हमारे पास आ जाएगा 2.5 प्लस 6 जो कि हो जाएगा आपका 8.5. तो RB हमारा आ गया 8.5. ठीक है, तो जब हमारा RB 8.5 आ गया तो 17 में से माइनस करेंगे तो RB भी 8.5 आ जाएगा. तो हमने यहाँ पे कैसे निकाला रिएक्शंस, दोनों रिएक्शंस को. ये टेक्निक हम लोग तब यूज़ करेंगे जबकि सिमेट्रिकल बीम ना हो, जब निकालना पड़े. यहाँ पे तो क्या है कि सिमेट्रिकल बीम था, दोनों का समेशन अगर 17 है तो दोनों हाफ होंगे. RA विल बी इक्वल टू RB विल बी इक्वल टू 17/2. अगर सिमेट्रिकल बीम नहीं होता, एक लोड यहाँ लग रहा होता, दूसरा लोड कहीं और भी लग रहा होता, तो रिएक्शंस अलग अलग होते. लोडिंग यहाँ पे बराबर है, सिमेट्रिकल लोड है तो यहाँ पे जितना रिएक्शन आएगा उतना रिएक्शन यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि जो पॉइंट लोड लग रहा है वो सेंटर पे लग रहा है. ठीक, तो हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले रिएक्शंस निकाल दिया. ये हमने क्या किया, रिएक्शंस को निकाला है, RA कितना आएगा और RB कितना आएगा, सपोर्ट पे जो रिएक्शंस आएगा वो कितना होगा वो निकाला है हमने. अब इसके बाद रिएक्शंस आ गया हमारे पास, RA भी आ गया, RB भी आ गया. अब हमको लिखना होगा इसके लिए शेयर फोर्स इक्वेशन और बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन. ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल काम किया है हम लोगों ने. पहले तो हम लोगों ने क्या किया, फोर्स को बैलेंस किया इन द वाई डायरेक्शन, उसके बाद मोमेंट अबाउट ए पॉइंट 0 कर दिया है. बी पॉइंट के अबाउट भी 0 होगा क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है एंड सपोर्ट्स पे जो है मोमेंट 0 होता है. तो हमने ए के अबाउट मोमेंट निकाला, ए के अबाउट जब मोमेंट निकाला तो RB जो है उसकी टेंडेंसी होगी टू मूव इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो RB into 3 ले लेंगे. दिस मोमेंट विल बी इक्वल टू द मोमेंट्स बाय दोज टू लोड्स
पॉइंट लोड और UDL, तो उन दोनों के जरिए एक तरफ हमने ऐड कर दिया, ठीक। तो यहाँ से हमने RB निकाल दिया, कैलकुलेट कर दिया, तो आपका RA और RB दोनों बराबर आ गया, जो कि 8.5 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, शेयर फोर्स इक्वेशन लिखेंगे इसके लिए। अब कहीं पे भी किसी भी सपोर्ट पे जो है हम लोग ले लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, चलिए ये ले लीजिए, सेक्शन ले लेते हैं यहाँ पे, सेक्शन XX, ठीक, जो कि इस एंड से आपका X दूरी पे है, ये सेक्शन ले लिया हमने। अब हम लोग शेयर फोर्स इक्वेशन लिखते हैं, शेयर फोर्स इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, ठीक। अब शेयर फोर्स इक्वेशन लिखते हैं एंड द शेयर फोर्स एक्स एक्स सेक्शन पे कितना होगा, देखिए एक तो आर ए होगा, आर ए कितना हो जाएगा आपका आर ए, अब इसका साइन क्या होगा आर ए का, हमको कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मालूम था, सेक्शन के जब इधर होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये हमारा कन्वेंशन होता था, सेक्शन अगर ये है हमारा, ऐसे हम लोग पॉजिटिव लेते थे शेयर फोर्स को, और दूसरा क्या होता था कि अगर ऐसे हो रहा है तो नेगेटिव लेते थे, तो ये क्या हो जाएगा इसके लिए, आर ए के लिए प्लस हो जाएगा, आर ए वाला प्लस हो जाएगा हमारा, ठीक। उसके बाद ये वाला जो लोड है यू डी एल जो लग रहा है, इसके लिए माइनस हो जाएगा, ठीक। तो अब ये यू डी एल का टोटल लोड कितना है, जो कि आपको दिया हुआ है 4 इंटू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, आर ए हम निकाल चुके हैं 8.5, आर ए हमारा आ चुका है 8.5 प्लस में माइनस 4x, ये आ गया हमारा शेयर फोर्स एट द सेक्शन XX, शेयर फोर्स जो है हमारा XX सेक्शन पे इतना होगा, ठीक। और ये शेयर फोर्स इक्वेशन कहाँ तक वैलिड है आपकी, ये अगर हम कहीं अगर सेक्शन को हम वेरी करें, सेक्शन को अगर यहाँ ले आएँ तो यहाँ पे भी ले आएंगे तो भी शेयर फोर्स इक्वेशन यही रहेगी, शेयर फोर्स सेक्शन पे भी यही रहेगा, क्योंकि फिर उस केस में एक्स यहाँ आ जाएगा, एक्स ये हो जाएगा अगर सेक्शन यहाँ ले लें तो। अच्छा, अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको यूज़ करके अगर हम लोग शेयर फोर्स निकालना चाहें, शेयर फोर्स एट ए, ए पे शेयर फोर्स कितना हो जाएगा, ए पे शेयर फोर्स हो जाएगा भाई एक्स इक्वल टू जीरो रखिए, तो शेयर फोर्स कितना हो जाएगा प्लस 8.5। उसके बाद अगर हम कहें कि शेयर फोर्स बताइए सी पे कितना होगा, शेयर फोर्स एट पॉइंट सी, तो यहाँ पे आप एक्स की जगह 1.5 रख दीजिए, तो यहाँ पे हम लोग एक्स की जगह 1.5 रखेंगे या 3/2, तो ये हो जाएगा आपका 8.5 माइनस 6, ये हो जाएगा आपका 2.5, ये आ गया सी पे हमारा आ गया प्लस 2.5, ठीक, ये आ गया हमारा सी पे शेयर फोर्स। अब हम लोग निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग, उधर चले जाते हैं, उसके लिए उस तरफ क्या होगा, सेक्शन के उस तरफ शेयर फोर्स, अगर हम लोग सेक्शन अगर अब हम लोग यहाँ ले लें, अगर सेक्शन यहाँ अगर ले लें और यहाँ से अगर एक्स एक्स आप लोगे तो उसके लिए कितना हो जाएगा, सेक्शन मान लो अब हमने वाई वाई ले लिया, इसको वाई वाई कह दो, आप कन्फ्यूज़न ना हो, और इस दूरी को वाई कह दो, ठीक है, क्योंकि एक्स से फिर वो डिफ्रेंशिएट कर जाएंगे, तो वाई वाई सेक्शन पे के लिए जो है शेयर फोर्स कितना हो जाएगा, इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आर बी के द्वारा नेगेटिव होगा माइनस आर बी, ठीक है, और यू डी एल के लिए प्लस में होगा प्लस प्लस 4, आपका 4 हो जाएगा प्लस 4 इंटू डिस्टेंस वाई, ये हो जाएगा आपका शेयर फोर्स इक्वेशन और शेयर फोर्स एट सेक्शन वाई वाई। आर बी आपको मालूम है माइनस 8.5 हो जाएगा माइनस 4y, तो ये आपकी शेयर फोर्स हो जाएगी एट सेक्शन वाई वाई, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अगर हम लोग इसी इक्वेशन में अगर y इज इक्वल टू जीरो रख दें, मतलब सेक्शन आपका यहाँ आ गया, तो शेयर फोर्स कितना हो जाएगा, शेयर फोर्स एट b, जब y आपका जीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 8.5। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि शेयर फोर्स क्या हो जाएगा एट c, c के लिए y कितना हो जाएगा 3/2, तो हो जाएगा माइनस 8.5 4 इंटू 3/2, तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस 8.5 माइनस 1.2 माइनस सॉरी ये हो जाएगा आपका 6, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 14.5। तो सी पे जो है आपका, इसके लिए हमको प्लस लेना था, सॉरी इसके लिए प्लस होगा ना, यहाँ पे गलत कर दिया, प्लस होगा इसके लिए, ठीक, तो ये प्लस प्लस, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 2.5 माइनस 2.5। देखिए यहाँ पे मैंने प्लस क्यों लिया, इसके लिए प्लस इसलिए लिया क्योंकि ये जो UDL था कन्वेंशन के अकॉर्डिंग सेक्शन के इधर अगर होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता होता है तो उस लोड को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो ये कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमने लिया, ठीक। उसके बाद ये इसको फिर हमने सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 रख के, y इज इक्वल टू 3/2 रख के सिंप्लीफाई किया, तो माइनस
2.5 आ गया। इसका मतलब यहाँ सेक्शन अब जो है इस पॉइंट पे, यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट सी पे सडन चेंज आएगा शेयर फोर्स में, माइनस प्लस 2.5 से माइनस 2.5 हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए सी पॉइंट पे इधर से अगर आप आ रहे ले रहे थे तो यहाँ पे आ रहा था प्लस 2.5, और जैसे ही सी क्रॉस करोगे तो आप माइनस 2.5 आ जाएगा उसी पे, सडन चेंज आएगा मतलब वहाँ पे, ठीक है ना। अप टू सी 2.5 रहेगा, उसके बाद जैसे ही आप उसको क्रॉस करोगे तो माइनस 2.5 हो जाएगा, ठीक है। अब सारे हमको वैल्यूज़ मालूम हैं, हमको देखिए ए पे मालूम है, हमको सी पे यहाँ पे मालूम है, बी पे पता है और सी पे पता है। अब इस सब को यूज़ करके हम लोग शेप फोर्स डायग्राम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे हम लोग शेप फोर्स डायग्राम? देखिए ये अगर आपका बीम है, ये आपका हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट सी, ये हो गया पॉइंट सी। ए पे कितना था? प्लस 8.5, तो यहाँ कहीं ले लीजिए प्लस 8.5, यहाँ ले लीजिए, ये डिनोट कर रहा है 8.5, ठीक। और ये वैरी कर रहा है लीनियरली, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ये लीनियरली वैरी कर रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन होगी। और सी पॉइंट तक ये होगा आपका 2.5 हो जाएगा, घटते घटते लीनियरली घटते घटते वो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, ठीक। जैसे ही सी पे आओगे आप तो प्लस 2.5 से माइनस 2.5 का चेंज आएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे फिर माइनस 2.5। उसके बाद पॉइंट बी पे आपको मालूम है माइनस 8.5 है, यहाँ पे कितना है माइनस 8.5, ये आपका प्लस में है, ये आपका माइनस में है, ये हो जाएगा आपका लीनियर ग्राफ, क्योंकि ये भी लीनियर लाइन है, स्ट्रेट लाइन डिनोट कर रहा है। तो ये हो गया शेप फोर्स डायग्राम फॉर दिस प्रॉब्लम। ए से सी तक जो है वो प्लस रहेगा, उसके बाकी पार्ट में सी से बी में जो है वो नेगेटिव रहेगा। ए से सी तक लीनियरली घटता जाएगा और सी पे सडन चेंज आएगा, प्लस 2.5 से यहाँ पे प्लस 2.5 था, यहाँ से हो जाएगा माइनस 2.5, सडन चेंज आएगा। और फिर बी पॉइंट पे वो जाके मिनिमम हो जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम 8.5, यहाँ पे प्लस 8.5 था और सी पे जाके वो बी पे जाके सॉरी माइनस 8.5 हो जाएगा। तो ये शेप फोर्स डायग्राम हो जाएगा इस प्रॉब्लम के लिए। और आपको मैंने पहले भी बताया कि पॉइंट लोड कहीं भी लग रहा होता है तो वहाँ शेप फोर्स डायग्राम में सडन चेंज आता है। तो यहाँ पॉइंट लोड लग रहा था सी पे, तो देखिए आप सडन चेंज आया है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए जो है हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना होगा, सबसे पहले हम लोग जो है बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे और डिफरेंट पॉइंट्स पे बेंडिंग मोमेंट निकाल के ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ये आप लोग खुद करके देखिएगा, अगर आप लोगों से नहीं होता है तो मुझसे पूछिएगा। और इसका जो आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइएगा तो वो कुछ इस तरीके का आएगा, पैराबोलिक, ठीक। ये हो जाएगा आपका ए बी, ये पॉइंट सी हो जाएगा और यहाँ पे मैक्सिमम होगा पॉइंट सी पे, ये आपका जो है पैराबोलिक आएगा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो आई होप दिस लेक्चर इज़ क्लियर टू यू। अगर आपको इस जो है बीएमडी में कोई इशू होता है, बीएमडी आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, डिस्कस कर लीजिएगा मुझसे। मैं इसके भी इक्वेशन लिख के आप लोगों को बता दूंगा कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे कितना आएगा बेंडिंग मोमेंट। क्लियर चीज़ है, आपको मालूम है सिंपली सपोर्टेड बीम है तो पॉइंट्स पे क्या होता है, सपोर्ट्स पे जीरो होता है। तो ए पे यहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट जीरो, यहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट जीरो, मैक्सिमम आपका सेंटर पे होगा क्योंकि यूडीएल लग रहा है और पॉइंट लोड भी है, तो बस से खत्म, कुछ नहीं करना है, हो जाएगा आपका पैराबोलिक। इक्वेशन लिख के भी आप चाहो तो इसके लिए ड्रॉ कर सकते हो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो शेप फोर्स डायग्राम ये था, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये था। तो आई होप दिस लेक्चर इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है कोई दूसरी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इसकी। थैंक यू।